देश से या देश के बाहर भी जुड़ेंगे तो हम अपने विद्यार्थियों तक उनका लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी तक 36 विषयों के 800 ही मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं, कुल 6000 ही मॉड्यूल्स हम लागू करने जा रहे हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थी अपने विद्याकाल में इसका लाभ ले पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए खास करके ये जो अलग अलग प्रकार के कई आपके समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य साधनों से हमको मालूम आता है, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें उनकी कठिनाइयों को वो दर्ज कर सकेंगे। इसके अलग अलग स्तर भी बनाए हैं हमने, जिसमें प्रदेश स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी, जो अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय जिला और संभाग लेवल पर जिन समस्याओं को हल कर सकते हैं वो वहाँ हल करेंगे, अन्यथा प्रदेश स्तर पर भी उसके संबंध में जो निर्देश जारी करना हो वो हम देंगे। इसी प्रकार से लगभग 1500 प्राध्यापकों की भर्ती विभाग करने जा रहा है, जिसमें हमारे खास करके सहायक अध्यापकों में सहायक प्राध्यापकों के साथ साथ लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स टीचर भी सम्मिलित रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो वर्तमान का दौर है, ऐसे में जब हम लगातार सकल पंजीयक दर अर्थात जिसको GER बोलते हैं, ये प्रदेश में 2 साल पहले तक हमारा 20.2 पॉइंट था, लास्ट ईयर हम 24.6 पे गए थे, इस वर्ष हम अपने शासकीय GER सकल पंजीयक दर से लगभग 27% से हम आगे जा करके 30 से 33% के आसपास आने वाले हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी जो हमारे छात्रों की पंजीयन दर है वो लगातार बहुत उल्लेखनीय है। इस दिशा से उच्च शिक्षा विभाग ने जो जो अपने लक्ष्य निश्चित किए हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है इस साल बजट में कि हमारी डिजिटल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, स्किल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, विभाग इसमें गंभीर है और इस दिशा में हमने अपनी टीम बना ली है। आने वाले समय में हम स्किल यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। खास करके आपने सबने देखा कि 528 हमारे सरकारी महाविद्यालय हैं, लेकिन 528 महाविद्यालय में से लगभग 300 के आसपास हमारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहां हमको सिंगल संकाय में ही हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगह से डिमांड आती है कि जहां BA है वो BSc खोलने की मांग करते हैं, BCom की बात करते हैं, लेकिन अब हम नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में एक साथ सभी महाविद्यालय में इसी आगामी सत्र के साथ सभी प्रकार की पढ़ाई करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का पिछली बार समीक्षा बैठक में हमने ये कोट किया था, एक बड़ा निर्णय है कि हमारे पास नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में हम आने वाले समय में फर्स्ट ईयर में सभी प्रकार के कोर्स खोलेंगे। इसके साथ साथ जो ऐच्छिक विषय हैं उन ऐच्छिक विषयों में भी खास करके जैविक खेती, पशु संवर्धन और बहुत सारे प्रकार जिनसे स्वावलंबी या स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहिए वो सारे विषयों को लेकर के हम उसका चरणबद्ध रूप से अलग अलग क्रम बनाने वाले हैं। जैसे जिला स्थान पे हम अधिक तरह से विद्यार्थियों को ये मौका देंगे और जैसी स्थिति बनी तो तहसील स्थान पर भी हम कोशिश करेंगे विद्यार्थी की रुचि के अनुसार से उसको एडमिशन दे पाएँ। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। इसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय हो रहा है कि हमारे पास 150 शासकीय महाविद्यालय में ये जो गुणवत्तापूर्ण अध्ययन केंद्र के रूप में उनका उन्नयन करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो वर्तमान की हमारी पढ़ाई है उस पढ़ाई में न केवल उसका स्तर सुधरेगा बल्कि आगे जाकर के हमारे विद्यार्थी सर्वांगीण रूप से वो हर कोई अलग अलग प्रकार की जो आने वाली समय की चुनौतियाँ उससे वो मुकाबला कर पाएंगे। 200 महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के माध्यम से प्लेसमेंट का काम हमने कराया है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की ट्रेनिंग कराई है, जिसके कारण से विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करते करते वो विभिन्न प्रकार के स्वावलंबन के अलग रोजगार को वो न केवल अपने जीवन में कहीं सर्विस करके भी या खुद का काम भी करने जाएगा तो उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में ये कौशल उसके लिए बहुत एक उल्लेखनीय भूमिका अदा करेगा। एक बड़ा निर्णय हम करने जा रहे हैं डिजिटल लॉकर का। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ये जो विभिन्न प्रकार के हमारे सर्टिफिकेट डिग्री है इन सब का ऑनलाइन सत्यापन करने वाला एक बड़ा अभाव रहता था, तो डिजिटल लॉकर के माध्यम से हम एक बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी मार्कशीट का, डिग्री का या उससे जुड़े हुए दस्तावेज का एक तरह से न केवल वो सुरक्षित रहेंगे बल्कि जहाँ जब जरूरत पड़ी वो डिजिटल लॉकर के माध्यम से अपने जो सर्टिफिकेट है उसका लाभ ले पाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं हम अपने स्टार्टअप के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, रीवा विश्वविद्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर की हमने स्थापना की।
कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी उत्कृष्ट हमारे अपने महाविद्यालय में भोपाल में और साथ साथ एक्सीलेंस कॉलेज जो विभिन्न संभाग स्थान पे भी है वहाँ पर भी हम इनकी स्थापना करने जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस ढंग से नेक का दौरा चल रहा है, नेक के माध्यम से चाहे शासकीय हो चाहे प्राइवेट विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, हम इसका ग्रेजुएशन करा रहे हैं। इसी साल अभी हमने उज्जैन में जब ये ग्रेजुएशन हुआ तो प्रदेश का हमारा उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय A+ के आधार पर सबसे टॉप में गया है। इसके कई सारे कारण हैं। आने वाले समय में जब हम गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे महाविद्यालय में वो सब कुछ होना चाहिए जिसके माध्यम से उस महाविद्यालय की रैंकिंग भी देश के लेवल पर हो और साथ साथ विद्यार्थियों को उसका लाभ मिले। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी इतने अलग अलग प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चुने हुए 100 विश्वविद्यालय में उज्जैन अपना इंदौर विश्वविद्यालय आए। पिछले समय हमने इंदौर संभाग के लोगों की मीटिंग भी ली थी और तैयारी करा रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो। हमारे अभी मुख्य चुनौती दक्षिण के राज्यों से है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने काम किया है यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उच्च शिक्षा विभाग इन सारे राज्यों को एक तरह से चुनौती देने की स्थिति में आएगा। आज के इस अवसर पर चूंकि ये डिजिटल का ज़माना है और इसमें बहुत सारे प्रयोग हमने किए थे, इन्हीं की बात करने के लिए आपके बीच बैठे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती है वो चुनौती ये है कि नई शिक्षा नीति लागू करते करते उसके अपने कड़वे या मीठे अनुभव जो हमारे को आ रहे हैं हम देश के बाकी राज्यों के साथ भी बांटें, तो मुझे इस बात का संतोष है। पिछले समय हमारी टीम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए गुवाहाटी गई थी और 6 राज्यों को लोगों को नई शिक्षा नीति किस प्रकार से लागू कर रहे हैं, क्या क्या कठिनाई हमारे सामने आई है, क्या अनुभव हमको रहा है, इस तरह से हम आने वाले समय में अपने अनुभव से भी दूसरों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनके अंदर की जो अच्छाई है उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए मैंने आपको विभिन्न प्रकार से बताने का भी प्रयास किया और कुछ पेपर भी दिए हैं, इसी में अगर आपको कोई बात और जानना चाहेंगे तो मैं उपलब्ध हूँ। हमारा विभाग के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपके सबके सहयोग से उच्च शिक्षा विभाग लगातार आगे बढ़ता जाएगा। खास करके आपने देखा होगा तो विगत 1 साल में कोरोना के बावजूद भी सभी महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अनुकूल माहौल बने और जिनको डिग्री मिल रही है, माननीय महामहिम के साथ हमने लगातार दीक्षांत समारोह आयोजित करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 10 शासकीय महाविद्यालय के साथ साथ लगभग 23 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी हमने दीक्षांत समारोह करा दिए हैं, बल्कि उससे आगे बढ़कर के हमारे लिए ऐसे भी अब मौके आ रहे हैं जब हमारे पास जैसे आगामी समय में गुड़ी पड़वा का दीक्षांत समारोह हमारा 2 तारीख को उज्जैन में होने वाला है। जब यह सत्र प्रारंभ हो रहा, सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही वो गया समय जब 5-5, 10-10 साल तक दीक्षांत समारोह नहीं होते थे, अब प्रत्येक साल दीक्षांत समारोह ला करके शिक्षा की जो गुणवत्ता भी हो और शिक्षा की महत्ता भी स्थापित हो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। माननीय महामहिम का भी मैं आभार मानता हूँ, वो लगातार उच्च शिक्षा विभाग में अपना मार्गदर्शन दे करके और स्वयं उपस्थित होकर इस प्रकार से काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखिए निजी विश्वविद्यालय आपने सबने देखा होगा कि दक्षिण के अंदर की जो मैंने राज्य की बात की तो इन्फोसिस हो, अजीम प्रेमजी हो या और MIT ग्रुप हो, VIT ग्रुप हो, ऐसे देश भर के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। ये लगातार मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं, हम इनको न केवल मौका दे रहे हैं बल्कि हमारे यहाँ की प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कोर्स भी है जो हम अब शासकीय लेवल पर अगर खोलने जाएंगे तो थोड़ी सी हमको लगता है कि साधनों की कमी हो जाएगी। ऐसे में हम जिनके गुणवत्तापूर्ण और अच्छे कैंपस की जिनको आदत है उनको भी मौका दे रहे हैं। मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही नियामक आयोग के माध्यम से और समय समय पे कोई आपका सुझाव आएगा हम उसको भी देखेंगे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हमने कहा कि जब हम आने वाले समय में सभी प्रकार के संकायों की सीमा तोड़ करके पढ़ाई का मौका दे रहे हैं तो हमने एक बात ये भी गुंजाइश ली कि जहाँ हमारे प्राध्यापक अनुमति जहाँ रेगुलर है अगर वहाँ हमको प्राध्यापक की कमी होती तो जैसे अतिथि शिक्षक को हम ले रहे हैं उसी प्रकार से जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक अगर वो पढ़ाने की स्थिति में आते हैं तो हम उनको भी जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। एक एक को इस बोलो देखिए
देखिए रोजगार के इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। हम जैसे उम्मीद करते हैं कि जैसे जैविक खेती की बात कर रहे हैं, या अभी हमने पशुपालन गो संवर्धन की बात की है, या अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर के विविध प्रकार के, जैसे उदाहरण के लिए एक महाविद्यालय ने हमारे अपने खास करके ये जो नर्सरी वाला प्रयोग किया है, खास करके अपने बागवानी का और इस प्रकार से, तो अलग अलग प्रकार के समय में जब बड़ा आकाश है बहुत लंबे समय तक विविध क्षेत्रों में काम करने की गुंजाइश है, इंक्यूबेशन सेंटर से हम छात्रों का अपना हौसला भी बढ़ाते हैं और नवाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नवाचार को प्रोत्साहन देने का मतलब ही है कि आने वाले समय में ज्ञान के साथ हम शोध को भी रिसर्च को भी प्रोत्साहन देंगे। नहीं, इस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके संबंध में आपको डिक्लेयर करें। एक मिनट, ये छात्र संघ का इन्हें प्रश्न किया है, क्योंकि सत्र अब कोरोना के कठिन काल के बाद हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हैं, तो सामान्य स्थिति में निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके हम कोशिश करेंगे कि छात्र संघ चुनाव भी हो, लेकिन अभी कॉलेज और विश्वविद्यालय ठीक से संचालित होने लगे, ये बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल करें। मुझे इस बात का जरूर संतोष है कि कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी दोनों वर्ष बीते, दोनों वर्ष में हमने न केवल सफलता के साथ हमारा पूरा एकेडमिक सत्र संपन्न किया है, बल्कि समय पे परीक्षा करा के समय पे रिजल्ट देने का भी प्रयास किया। देखिए लगभग हमारे पास 10,000 पदों में से 6,500 पद सरकारी स्तर के हमारे भरे हुए हैं, और लगभग उसके बाद के पद हमने अतिथि विद्वानों से लिया है, और क्रमशः 1,500 के अलग अलग अनुपात में हम अपने पद भरने जा रहे हैं, जो पीएससी से हम भरने जा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास कहीं पढ़ाने का अभाव ना हो, ये बात भी सही कि जो रेगुलर पद होगा उसका रेगुलर की तरह से भर्ती का प्रयास कर रहे हैं, यही मैंने आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया। ये क्या बात हुई, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे सर इनका? देखो क्या होता है, ऑनलाइन पे हम जा रहे हैं, तो ऑनलाइन में जो जो भी रहेगा हम सबको जोड़ेंगे। बताए क्या करें, नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं है, आप बता देंगे। बताओ क्या बताए, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपका प्रश्न बहुत मौजू है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा जो ये जो नई शिक्षा नीति का जो नया सिलेबस बना है, इस सिलेबस में ही इसी प्रकार की गुंजाइश दी है कि हमको बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही उसको प्रोजेक्ट बनाना है, इंटर्नशिप करना है, इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। तो ये विविध प्रकार के शिक्षा के माहौल में ही वो सारी बातें आएगी, जिसके माध्यम से हम 15 से ज़्यादा विभाग, अभी तक हम केवल उच्च शिक्षा में काम करते थे, अब एग्रीकल्चर से लगा करके ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर, जिन सेक्टरों को हम जोड़ करके बच्चों को वहाँ इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे और वहाँ प्रोजेक्ट बना करके उनके बाकायदा अंक मिलेंगे, उस दिशा की तैयारी में जा रहे हैं। ये आपने सही प्रश्न किया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने अभी उल्लेख किया था, आप दोबारा मैं बोल देता हूं कि 10 हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 16 यूनिवर्सिटी सब मिला करके सामान्य यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और हमारे लगभग 23 विश्वविद्यालय जो प्राइवेट स्तर के हैं उनका भी हमने नेक के माध्यम से दौरा कराया है। हम ये चाह रहे हैं कि गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से, चाहे प्राइवेट, अभी तो विश्वविद्यालय की बात नहीं, महाविद्यालय को भी हम कराने जा रहे हैं कि महाविद्यालय भी नेक से दौरा कराए, ताकि हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, और हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, कोई कठिनाई विशेष है तो मदद करने के लिए तैयार है। और आप तो जो चूंकि स्वस्थ वातावरण में प्रतिस्पर्धा है, तो इनको अपने आप पे भी कराना पड़ेगा, अगर उनको लंबे समय तक टिके रहना है तो इस निश्चित रूप से इसमें कराना ही चाहिए। क्या करते हैं, देखिए बीएड डीएड इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल स्तर का हमारा स्कूल शिक्षा विभाग है,
उनके सास की बीएड डीएड तो वो खुद कराते हैं। मेरी बात बीपीएड एमपीएड तो जो हमारे अपने स्तर के हैं, अगर कोई शिकायत होगी तो हम जरूर उस पर कार्रवाई कराएंगे। शासकीय नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक बता देना, जरूर कार्रवाई करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को कई बार कोर्ट में भी ले गए हैं, लेकिन कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं। हम जो भी कर रहे हैं ये सब बातों को सोच के ही कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के ये बात सही है कि भारत कृषि प्रधान देश है, प्रदेश में भी कृषि में 24-25% से ज़्यादा कृषि विकास दर है। ऐसे में हमारे लिए ये दोनों विषयों को ध्यान में रख करके, खास करके गाँवों से आने वाले बच्चों को बड़ा स्कोप मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन शासन के दिशा निर्देश का भी हम पालन करें। हाँ, कॉलेज के संसाधन पे जरूर मैं बात करना चाहूँगा कि लगभग 528 कॉलेज हमारे हैं, और ये संसाधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी लगभग 223 महाविद्यालय में हमारे पास भूमि नहीं थी, अपने भवन नहीं थे, हम किसी विभिन्न प्रकार के भवनों में अपना महाविद्यालय लगाते थे, लेकिन आज की स्थिति में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि न केवल हमारे पास 188 कॉलेजों में स्वयं के भवन हो गए, बल्कि जो बचे हुए वो खाली भूमि के कारण बचे हुए। हमने सभी स्थान पर जनप्रतिनिधियों को भी बताया और कलेक्टरों को कहा है कि वो भूमि उपलब्ध करा दे, कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहां हमारा अपना स्वयं का भवन नहीं होगा। साथ साथ भवन के अलावा भी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार का उन्नयन का काम हम कर रहे हैं, और सभी संसाधन देने के साथ स्टाफ भी हम देने जा रहे हैं। मेरी बधाई उनको, हमारे लिए सब सौभाग्य की बात है। हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, जिनको सबसे लंबे समय तक अपनी सफलता के साथ मुख्यमंत्री काल का गुजारने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हम तो चाहेंगे आने वाले 10 साल तक वो उसी प्रकार से काम करते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ये अंतर करना चाहूँगा कि हमने कोरोना के कठिन काल में ज़रूर मौका दिया था, क्योंकि किसी न किसी कारण से आवागमन पे प्रतिबंध हुआ था, बाधा आई थी, लेकिन आपने बीते समय में देखा होगा कि हमने न केवल समय पे परीक्षा कराई बल्कि ऑफलाइन परीक्षा को हमने दृढ़ता के साथ कराया, तो गुणवत्ता मामले में हम कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन किसी कारण से कोई विद्यार्थी कोई कारण से जस्टिफाई हुआ कि वो फॉर्म नहीं भर पाया, तो परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आधार पर तो हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक समय सीमा के अंदर ही उसको परमिशन दी जाए। मेरे को बरकतौला से बात कर लूँगा ना, मैं अभी प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मेरे को बता देना कोई बात हो तो मैं करूँगा। नहीं, हम कार्रवाई करेंगे ना उस पर, अगर ऐसा कोई मुद्दा आएगा निश्चित। मेरा ऐसा कहना है कि ये दो अलग अलग विषय, आपने फॉर्म भरने की बात कही, मैंने उसका मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी शिक्षा में अगर कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा विभाग में निपटने में सक्षम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।